16 का हो गया आज गुच्छू। क्या ची बाबू बुई किची बुई बुई ने कनाडा से भी आपके लिए सामान भेजा है गुच्छू। ओ ओ का चलो बुई पास चले कनाडा चले। आज हमारे आनिक जैन की छठी है और आनिक की बुआ ने उसके लिए बहुत सारा सामान भेजा है, क्यूट क्यूट कपड़े और नजरे खिलौने। हमारे यहाँ पर छठी की रस्म में बुआ जी बच्चे की जो होती हैं वो नए कपड़े चेंज करती हैं उनके। आज के दिन ही बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, ऐसा पहले होता था कि आज छठी के दिन ही बच्चा नए कपड़े पहनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो फिर भी एक ही रस्म है जो कि की जाती है कि 6th डेट को उसके सारे कपड़े बुई लेके आती है और उसे न्यू न्यू क्लोथ्स पहनाती है। तो चलो हम आनी को शोना शोना बाबू बनाते हैं। ये जो वीडियो में है ये मेरे बुआजी हैं, तो बुआजी हेल्प करने आ गए हैं बिकॉज वो अपने हाथ बिल्कुल ऐसे उसने टाइट कर लिए हैं और बुआजी हेल्प कर रहे हैं। तो आनी की बुआजी और आनी की बुआजी अब उनको न्यू न्यू क्लोथ पहनाएंगे। इतना क्यूट है ना हमारा आनी, देखो ये उसकी 6th डे की वीडियो है। जो साइड में खड़े हैं ना वो मेरे चाची जी हैं आनी की छोटी दादी, एंड शी वाज कीप ऑन चेकिंग कि हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पूरा टाइम उन्होंने एक सेकंड भी नज़र नहीं हटाई है कि भाई एक बार तो हम पे विश्वास कर ले कि हाँ वी आर डूइंग इट राइट, बट नहीं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो आनी की एक और बुई है जो रेड ड्रेस में है, डॉक्टर स्मृति जैन, ये भी हमारी हेल्प कर रही हैं। सारी बुई धीरे धीरे करके नोनू को सुंदर सुंदर बनाएंगी और अब हमारा नोनू जल्दी से रेडी होने वाला है। अब मिलिए आनी की सबसे छोटी बुई से, तमन्ना से, और बुई कनाडा जाने से पहले स्पेशली आनी के लिए रुकी हुई थी, अब वो उसको नोनू नोनू बाबू बनाएगी। ऐसे नहीं अभी अच्छी तरह इसको, हाँ ऐसे हाँ वो हेलो ये तो यहाँ पे तगड़ी गांड खोल ले, गांड खोल के निकाल ले बाहर को यार बाहर। हां अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बाबू एक ही दिन दुखी करते हैं, एक बटन में लगा दे, बटन में लगा ले तगड़ी पे ना। देख इसका क्या तरीका है इसका, ये दिख इसकी जेजे जितनी करनी है ना जीजी टाइट देख जेजे से इसको टाइट मत करियो, खिसका लियो इसको पहना के नीचे से। अब की खड़े रहना दीदी, हां मैं खड़ी हूं तगड़ी पर आ गई। हाँ पापा तगड़ी वही काना काना जी पहनते तगड़ी वही थोड़ी सी एक बार थोड़ी सी तो एरिया एक हाथ बना दे किशन के लिए बना दे चाची हम कर दे दोनों हाथ में एक मिनट खोल सकते हैं तो दिखा ना लगे। हाँ यही तो है छठी का यानी कि पोज में जाना भाई हाँ पोज में सब उतरवा देते हैं। फाइनली अब आनिक को बुई नजरिए पहना रही है, जो आनिक की सबसे बड़ी बुई अंकिता जैन और अदिति जैन बुई की तरफ से है। अब हमारा बाबू नजरिए पहनेगा जिससे उसको कभी नजर नहीं लगेगी किसी की भी। ये सब रस्में होती हैं और इनकी सबसे बेस्ट पार्ट होता है जब हम ये कर रहे होते हैं ना, इतनी खुशी हो रही होती है और मतलब
बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होता है, कभी की नहीं होती. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिड इट ऑल दीज थिंग्स और इट वॉज अ सुपर अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. आप इसे देख सकते हैं. रिया तुम तुम भी इधर आ जाओ. रिया इसमें पूरा एक में डाल के दूसरे में तो डलवाया नहीं करते वाले. ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है बुआ के लिए जब बच्चे की बुआ आईब्रोज बनाती है. एक्चुअली ये भी एक रस्म है कि काजल से ना बादाम से बुआ ने ये बिल्कुल फ्रेश काजल बनाया था और फिर इससे मैं इसकी आईब्रो शेप कर रही हूँ. और ऐसा माना जाता है कि बच्चे की आईब्रोज फिर ऐसी ही बनती है. तो इस टाइम पे इतना स्ट्रेस था ना, यू कैन बिलीव इट. तो पूरी लाइफ का प्रेशर है ये तो. तुम कौन सा अपनी बुआ को बोल देते हो? जो ना बोलता किसी को. खोल दियो, कोई पहचान नहीं आ रहा है लड़का हमारा ही है ना. लो जी मैं रेडी हो गया. थैंक यू बुई, थैंक यू सो मच. और मैंने बड़ी बुई को सबसे ज़्यादा मिस किया. बुई प्लीज़ कम सून.